हाथरस में मंगलवार 2 जुलाई को जो कुछ हुआ वो बेहद ही भयावह था। मौत की तरफ दौड़ लगाते लोग और पूरी घटना में मूक दर्शक बने आयोजक। ऐसा लगा जैसे दौड़ती मौतों पर काबू का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया हो। आयोजक के तौर पर इस घटना का मुख्य जिम्मेदार देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया। हादसे के बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई मगर देव प्रकाश मधुकर का अता पता नहीं था, जिसके बाद मधुकर पर 1,00,000 का इनाम रखा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए मधुकर को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि भोले बाबा के वकील लीपी सिंह ने यह दावा किया है कि मधुकर ने सरेंडर किया है। ईपी सिंह के मुताबिक मधुकर का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था। अस्पताल में ही यूपी पुलिस को बुलाकर मधुकर का सरेंडर कराया गया। वकील ने कहा कि मधुकर हार्ट का मरीज है, हालात स्थिर होने पर पुलिस को सौंपा गया। हाथरस प्रकरण में जो FIR में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, SIT को और STF को यहाँ दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है SIT को और उत्तर प्रदेश पुलिस को, अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें, अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज़ उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा कह, इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता है कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना करे, कहे कि कहाँ है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए, कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए, अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें STF और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के, बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में वादा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें, अब उनसे पूछताछ कर ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे और जानकारी देंगे। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरी भोले बाबा ने कैमरे पर आकर हादसे पर अपना दुख जताया। चेहरे पर दुख का भाव लेने की भरसक कोशिश भी की लेकिन असफल दिखी। पहले 31 सेकंड तक मानो बाबा जी कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वो साकार से साक्षात्कार करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर देखने में ऐसा लग रहा था वो किसी की लिखी स्क्रिप्ट को याद करने की कोशिश कर रहे हूँ। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी में घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर VP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत
तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको छवि ने माना भी है। छवि इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। छवि महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। छवि को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। हाथरस के सिकंदरामऊ स्थित फुलरई मुगलगढ़ी गांव में 2 जुलाई की सुबह लोग क्यों जुटे थे, इस सवाल का एक ही जवाब है, बोले बाबा प्रवचन सुनने के लिए। दावा किया जा रहा है कि बाबा के सत्संग में 80,000 लोगों के आने की अनुमति ली गई थी। हालांकि आए करीब 2.5 लाख लोग, 80,000 की भीड़ को प्राथमिक स्तर माने तो क्या बाबा ने आयोजक से उनकी सुरक्षा के संबंध में बात नहीं की? प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि भोले बाबा के कार्यक्रम से निकलते ही बाबा के सेवादार भी वहां से खिसक लिए, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और मौत की तरफ दौड़ पड़ी। अगर भोले बाबा ने सुरक्षा इंतजामों को बिना जाने की सत्संग किया तो जिम्मेदारी उन पर भी बनती है। अगर उन्हें पहले से पता था कि इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित करने के पुख्ता इंतजाम नहीं है तो वो लोगों को पंडाल से निकालने के बाद निकल सकते थे, मगर उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी और गाड़ी की धूल लेने की ऐसी दौड़ मची कि लोग मौत के आगोश में समाते गए। मरने वालों में 112 महिलाएं शामिल हैं, मतलब 112 परिवारों की खुशियां उजड़ गईं। इस हादसे पर सवाल बेहद गहरे हैं, भोले बाबा के प्रवचन में आए लोगों की गलती क्या थी? 2 जुलाई की सुबह जो लोग अपने घर से प्रवचन सुनने निकले थे उन्हें मौत नसीब क्यों हुई? सत्संग में आए इन बेकसूर लोगों की मौत की जिम्मेदारी क्या उस बाबा की नहीं बनती जिनके भरोसे ये भक्त आए थे? तो आखिर बाबा की गिरफ्तारी पर चुप्पी क्यों? सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी आज हाथरस के घटनास्थल का जायजा लेगी। अब देखना होगा कि इस घटना के लिए आयोग किसे जिम्मेदार बताती है। वैसे तो भोले बाबा ने तो खुद को पाक साफ करार कर ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।